My dear parents, today I am here to bring one good opportunity for you to join your children in Peace Islamic International School, built up Mariapuram, Kadapa. Peace Islamic International School, बेहतरीन academic education के साथ साथ diploma in all in course, hifz of the Quran और extra curriculum activities, चारों चीज़ों को लेके चल रही है. Extra curriculum activities in the sense, martial arts, karate, sports, public speaking, debate और multi skills, यानी 360 degrees. स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट है इसमें. COVID-19 पैंडमिक की वजह से क्या है, बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और कई लोग क्या है अपने को हो गए हैं. इस मामले में क्या है, गौर करके हम 50% स्कूल फी में कंसेशन दे रहे हैं और 100% एडमिशन फी माफ कर. आपको बुक्स फीस भी क्या है, बिल्कुल मुनासिब दाम में हम बुक्स दे रहे हैं. तो बेहतरीन टीचर्स के साथ हम 12 साल से सर्विस दे रहे हैं. तो ये मौके को आप बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर क्या है, ये दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके फौरी तौर पर एडमिशन लीजिए. अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम. खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए. अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं. अफगानिस्तान में संगीन हालात के इशारे. अगर हम अब अफगानिस्तान से नहीं निकलते तो कब निकलते. सऊदी अरब और रूस के दरमियान फौजी तआवुन बढ़ाने का मुआहदा. मरकजी वजीर नारायण राणे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस फोर्स में रहते हुए दाढ़ी रखना आईनी इख्तियार नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट. दिल्ली फसाद मामला, उमर खालिद ने पुलिस की तरफ से दायर रिपोर्ट को बताया बेबुनियाद, कोर्ट के सामने रखी अपनी बात. रेवंत रेड्डी ने दलितों और गिरिजनों के मसाइल पर 2 रोजा भूख हड़ताल शुरू की. मुस्लिम फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के जेर एहतमाम रियासत के मुसलमानों में शऊर बेदारी के लिए रियासत गिर बस यात्रा का आगाज. जिले कड़पा में आज कोरोना वायरस के केसों में वाजे कमी, आज 19 मरीज मुसद्दिका, हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट. अब आए खबरें तफसील के साथ, समाप्त करते हैं. अफगानिस्तान में संगीन हालात के इशारे. फरीकैन मिलकर अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह ना बनने दें और दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में कदम रखने की इजाज़त ना दी जाए. जिद्दा में मुनक्किदा इजलास के बाद OIC ने अपने जारी करदा आलमिया में ये बात कही है. अफगान अवाम के साथ एकजहती का इजहार करते हुए कहा गया है कि OIC के रुकन ममालिक अफगानिस्तान में अमन व सलामती और तरक्की व इस्तेहकाम के लिए मदद करेंगे. इस्लामी ताउन तंजीम की मजलिस आलमा का अफगानिस्तान के सूरतेहाल पर हंगामी इजलास तलब करना एक खुश आयन अमर है. City has seen a huge influx of internally displaced persons from provinces around the country where they felt insecure or fled during fighting. I remind all parties of their obligation to protect civilians. And I call on all parties to provide humanitarians with unimpeded access to deliver timely and life-saving services and aid. And I also urge all countries to be willing to receive Afghan refugees and refrain from any deportations. अगर हम अब अफगानिस्तान से नहीं निकलते तो कब निकलते. अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर अफगानिस्तान से अपनी फौजों को वापस बुलाने के फैसले का दफा किया और सवाल किया है कि अगर हम अब अफगानिस्तान से नहीं निकलते तो कब निकलते. जो बाइडन एक रोज कबल व्हाइट हाउस में खिताब कर रहे थे. उन्होंने इस दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की सूरतेहाल पर रोशनी डालते हुए कहा 36 घंटों के दौरान 11,000 के करीब लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है. इनमें अमेरिकी और अफगान शहरियों के अलावा दीगर इत्तेहादी ममालिक के बाशिंदे भी शामिल हैं. वाज़ह है कि इन दिनों यह खबर भी गर्दिश में है कि अमेरिका 31 अगस्त के बाद भी अपनी फौज के अफगानिस्तान में ठहरने के लिए तालिबान से इजाज़त मांगेगा. जो बाइडन ने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 अगस्त तक फौजियों के इनखला का अमल पूरा हो जाएगा और इस तारीख में अब कोई तौसी नहीं की जाएगी. To launch an attack from Yemen. Would we ever gone to Afghanistan?
Would there ever be any reason we'd be in Afghanistan, controlled by the Taliban? What is the national interest of the United States in that circumstance? We went and did the mission. You've known my position for a long, long time. It's time to end this war. The estimates of the cost of this war over the last 20 years range from a minimum of $1 trillion to a think tank at one of the universities saying $2 trillion. That's somewhere between $150 million a day and $300 million a day. The threat from terrorism has metastasized. There's a greater danger from ISIS and Al-Qaeda and all these affiliates in other countries by far than there is from Afghanistan. And we're going to retain an over-the-horizon capability that if they were to come back, to be able to take them out. سعودی عرب اور روس کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے کا معاہدہ. سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان انٹرنیشنل ملٹری ٹیکنیکل فورم میں شرکت کے لیے روس پہنچے, جہاں انہوں نے روسی وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی. ملاقات کے بعد ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ ہم نے خطے میں استحکام و سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی مشترکہ کوشش پر تبادلہ خیال کیا اور اپنے ممالک کو درپیش مشترکہ چیلنجوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر نارائن رانے کو مہاراشٹر پولیس نے گرفتار کر لیا. چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کے خلاف ریمارکس مہنگا پڑا. مہاراشٹر کی پولیس نے مرکزی وزیر نارائن رانے کو ریاست کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کے خلاف غیر مذہبی ریمارکس کرنے پر گرفتار کیا ہے. مرکزی وزیر نارائن رانے نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کو ملک کو آزادی مل کر سال گزر چکے ہیں, اس کا علم نہیں ہے. ایسے شخص کے منہ پر تماچا رسید کرنا چاہیے. ان نماز کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی اور آج مرکزی وزیر وہ رتنا گیری کے دورے پر تھے, ایک پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا. دیر اسنا مرکزی وزیر رانے نے اس معاملے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے بامبے ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے. ان کے وکیل نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں رانے کے خلاف درج ایف آئی آر کو ختم کرنے کی درخواست کی گئی ہے. انہوں نے درخواست کی کہ ان کے خلاف فوری کارروائی کیے بغیر عبور احکامات جاری کیے جائیں. درخواست میں کہا گیا ہے کہ فوری سماعت کی جائے, تاہم عدالت نے درخواست پر سماعت کرنے سے اتفاق نہیں کیا. ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ وہ پہلے رجسٹری ڈپارٹمنٹ کو فوری سماعت کے لیے درخواست دے اور پھر وہ اس کا جائزہ لیں گے. مرکزی وزیر نارائن رانے نے جن آشیرواد یاترا کے دوران پیر کو ضلع رائے گڑھ کا دورہ کیا, اس موقع پر منعقدہ ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے 15 اگست کو ٹھاکرے کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک شرمناک بات ہے کہ چیف منسٹر کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آزادی کب ملی. یوم آزادی کے موقع پر ریاست کے عوام خطاب کرتے ہوئے درمیان میں ٹھاکرے نے اپنے عملے سے پوچھا کہ آزادی مل کر کتنے سال ہو چکے ہیں. مرکزی وزیر نارائن رانے نے کہا کہ اگر میں اس دن وہاں ہوتا تو ٹھاکرے کے گال توڑ دیتا. پولیس فورس میں رہتے ہوئے داڑھی رکھنا آئینی اختیار نہیں, الہ آباد ہائی کورٹ. الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے پیر کو ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے ایک سپاہی کی عرضی کو مسترد کر دیا. اطلاعات کے مطابق پولیس فورس میں داڑھی رکھنے کو لے کر ڈی جی پی کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا گیا تھا. اس حکم پر عمل نہیں کرنے پر اجودھیا کے کھنڈاسا میں تعینات سپاہی محمد فرمان کو معطل کر کے چارج شیٹ جاری کر دی گئی تھی. محمد فرمان نے معطلی اور چارج شیٹ کو چیلنج دیتے ہوئے ہائی کورٹ میں 2 عرضیاں داخل کی تھیں. عدالت نے عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس میں رہتے ہوئے داڑھی رکھنا آئینی اختیار نہیں ہے. اس کے ساتھ عدالت نے محمد فرمان کی معطلی اور چارج شیٹ میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا. عرضی گزار نے دلیل دی تھی کہ آئین کے طرف سے ملے مذہبی آزادی کے حقوق کے تحت اسلام کے اصولوں کے مطابق اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. اس پر حکومت کے وکیل نے عرضی کی مخالفت کرتے ہوئے اسے پائیدار نہیں بتایا. عدالت نے دونوں فریق کی دلیل سننے کے بعد اپنے حکم میں کہا کہ 26 اکتوبر 2020 کو ڈی جی پی کی طرف سے جاری سرکولر ایگزیکیوٹیو آرڈر ہے جو پولیس میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے جاری کیا گیا ہے. دہلی فساد معاملہ, عمر خالد نے پولیس کی طرف سے دائر رپورٹ کو بتایا بے بنیاد. کورٹ کے سامنے رکھی اپنی بات.
शुमाल मशरिकी दिल्ली में फसादात के सिलसिले में गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर उमर खालिद ने पीर को दिल्ली की एक अदालत में खुलासा किया कि पुलिस के दावों में कई तसादात हैं। खालिद ने इसे एक साजिश करार दिया। खालिद और कुछ दिगर के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर फरवरी 2020 में फसादात की साजिश का इल्ज़ाम है। इन फसादात में 53 अफराद हलाक जबकि 700 ज़ायद जख्मी हुए हैं। खालिद ने इस केस में जमानत मांगी है। खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत को बताया कि FIR मनगढ़ंत और गैर जरूरी है और साजिशी बुनियादों पर इसके मुवक्किल को निशाना बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। वकील ने दिल्ली पुलिस के दावों में दो तसादात की निशानदेही की। उन्होंने सबसे पहले अदालत को महाराष्ट्र में खालिद की तकरीर की 21 मिनट की वीडियो दिखाई जिसे मुबैना तौर पर इस्तगासा ने इश्तआल अंगेज करार दिया था। वीडियो दिखाने के दौरान वकील ने अदालत को बताया कि इनके मुवक्किल ने तकरीर के जरिए तशद्दुद की कोई कॉल नहीं की और दरअसल लोगों को इत्तेहाद का पैगाम दिया। You have been accused of sedition in the Delhi riot case and now this one. What do you have to say, Umar? Umar Khalid. Umar, it's easy to accuse the media, Umar. What do you have to say? What do you have to say? रेवंत रेड्डी ने दलितों और गिरिजनों के मसाइल पर दो रोज़ा भूख हड़ताल शुरू की। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी MP ने मिर्चल ज़िले के मोडू चिंटरपल्ली गांव में दलितों और गिरिजनों के हकूक के लिए दो रोज़ा भूख हड़ताल शुरू की है। ये भूख हड़ताल 25 अगस्त चारशुम्बा की शाम 5 बजे ख़त्म होगी। भूख हड़ताल प्रोग्राम के लिए गाँव में बड़े पैमाने पर स्टेज तैयार किया गया है जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस गांव की तरक्की की जिम्मेदारी कबूल की थी लेकिन अब तक यहां कोई तरक्की नहीं हुई। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम रियासत के मुसलमानों में शऊर बेदारी के लिए रियासत गिर बस यात्रा का आगाज। कड़पा में मुस्लिम रहनुमाओं ने पोस्टर जारी किया। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश की जानिब से 25 सितंबर को ज़िले चित्तूर के मदनपल्ली से एक बस यात्रा निकाली जाएगी जो रियासत के 60 मुस्लिम अक्सरियती हलकों का दौरा करके मुसलमानों को अपने हकूक़ और उनको हासिल करने से मुतालुक शऊर बेदार करेगी। रियासती कन्वीनर शेख दस्तगीर और तेलुगु देशम कायद अमीर बाबू ज़िले के मुस्लिम रहनुमा अशरफ अली खान और दूसरों ने इसे कामयाब बनाने की अपील की। मुस्लिम చైతన్యం చేసే దిశగా ఈ యాత్రను ముస్లిం ఫెడరేషన్ గారి ఆధ్వర్యంలో మదనపల్లి చిత్తూరు జిల్లాలోని మదనపల్లి నుంచి విశాఖపట్నం వరకు ఈ బస్సు యాత్ర కొనసాగుతుంది. ఈ బస్సు యాత్రలో భాగంగా దాదాపుగా 60 నియోజకవర్గాలు కవర్ అవుతుంది. ఈ బస్సు యాత్ర వచ్చేసి రేపు నెల సెప్టెంబర్ నెల 29వ నెల 2021వ తేదీన శనివారం మదనపల్లిలో ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుంది. దీన్ని అందరూ కూడా సంపూర్ణ మద్దతు ఇచ్చి దీన్ని జయప్రదం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉండాలి. ఇది వచ్చేసి ముస్లిం మైనార్టీ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు రాజకీయాలకు అతీతంగా, కుల మతాల అతీతంగా మొత్తము బలహీన వర్గాలు అందరికీ కూడా మేలు చేకూర్చే విధంగా ఈ బస్సు యాత్ర కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ముస్లిం ఫెడరేషన్ వారి యొక్క డిమాండ్ ఏమంటే ముస్లింలకు రావాల్సిన హక్కులు రావడం లేదనే దిశతో ఈ ముస్లిం ప్రజానీకాన్ని చైతన్యం చేసేదానికి వీళ్ళు ఒక పెద్ద మహత్తర కారణం. जिले कड़पा में आज कोरोना वायरस के केसों में वाजे कमी। आज 19 मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। जिले कड़पा में आज कोरोना वायरस के 19 मरीज मजबूत पाए गए जिससे ये तादाद बढ़कर 1,12,235 हो चुकी है जबकि ताहाल 1,11,117 मरीज मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज 19 मरीज इलाज के बाद मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। आज तक इस वबा से जुमला 699 अफराद की मौत वाकई हो चुकी है।
जिले भर में आज तक 266 मरीज का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। जिले में महकमा पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के मामले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा के केन अनुभुराजन के अहकाम के तहत आज जिले भर में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 491 अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 66,645 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।